मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश के खजाने को लुटा दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेश चलाने के लिए बजट नहीं था। इसके बाद प्रदेश में भयावह आपदा आई और हम रात के 2-2 बजे तक आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहे हैं। ये है दो सरकारों के बीच का मूलभूत अंतर। मैं जब मुख्यमंत्री बना, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात हुई तो प्रदेश चलाने के लिए 1 महीने का पैसा ही बचा हुआ था। 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने बांट कर रखती। हमने अध्ययन करना शुरू किया और पहले दिन से मैंने कहा कि हम सरकार में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम उस दिशा में दिन रात लग गए। पहली चुनौती हमारे पास सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई। हमारे जीवन काल में हमने ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। मैं किन्नौर भी पहुंचा, सांगला में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, मैं वहां भी पहुंचा। पूरे प्रदेश में 23,000 घर उजड़ गए, 551 के करीब मौतें हुई। 7 जुलाई को कुल्लू में, 7 से 11 जुलाई को इतना ज्यादा भूस्खलन हुआ, इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पूरा कुल्लू पूरे देश से टूट गया। पूरी हमारी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य सड़कों पर खड़े रहे। मैं खुद रात के 2-2 बजे तक उन 75,000 पर्यटकों को निकालने के लिए सड़कों पर खड़ा रहा। कई परिवार बच्चों वाले थे, छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए, भूखे प्यासे, बिजली थी नहीं, हमारी सरकार ने उनको रात को भोजन भी उपलब्ध करवाया और सही सलामत उनको जो केरल मद्रास पूरे देश से लोग आए थे अपने घर पहुंचाया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।